साथियों, आज जब ये मुझके जेल भेज रहे हैं, बोले सोनिहार माता की आवाज आ रही है, लेकिन लाइट वगैरह नहीं चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो दो तीन चीजें आपसे कहना चाहता हूं। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहां पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी, मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आईडी नीचे कर लो। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है, अमितेश भाई आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। यह अकेली पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं इसको, आपको और सबको, दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं दूसरी चीज। अरे आईडी हटा भाई, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। टीवी का आईडी हटा भाई, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूं, जितनी जरूरत है, खूब मन लगा के पढ़ना। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है, खूब मन लगा के पढ़ना। माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे ये पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं, अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू किया, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। एक उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूं आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की, या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूं। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग। तो ये बात मेरी बच्चों से। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है मुझको। मैं कहूंगा अरविंद जी, लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है,
हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए, हमें आपके ऊपर बहुत नाज है, हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। इन जेलों से घबराने वाले नहीं हम, ये झूठे आरोपों पे जो जेलें भेजने की तैयारी चल रही है इससे घबराने वाले नहीं। और देखिए ये लोग जेल भेज क्यों रहे हैं, ये मुझको जेल भेज क्यों रहे हैं, झूठे आरोप लगा क्यों रहे हैं, ये सीबीआई की ईडी की इंक्वायरी हो क्यों रही है, इनको भी पता है हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं, ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है, उनको किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप तैयार रहिए, अभी मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे और आपके ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे, तैयार रहिए बिल्कुल उसके लिए। अभी एक के बाद एक बहुत मुकदमे होने वाले हैं सबके ऊपर। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बीजेपी डरती रहेगी और डर डर के मुकदमे करवाती रहेगी, आप तय मानो और मुकदमे होंगे। एक लेकिन चीज है, हम नहीं डरते, ये डरते हमसे, हम इनसे नहीं डरते, ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते, हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात, लेकिन हम नहीं डरते। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है, आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर वन बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब जुमलेबाजी पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पिछली बार भी मैं कह के गया था मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे, जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, देखे मोदी जी कितनों को रोकते हैं, लाखों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे, देखे ये बीजेपी वाले कितनों को रोकते हैं। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद साथी। Thank you.